Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर, सर आपके लिए गुड न्यूज है। क्या सर, हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर। That's great, good news, जवार। सर मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। मुझे यकीन था जवार कि ये टास्क सिर्फ तुम ही अचीव कर सकते हो। By the way, सर, इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को बिलियंस का फायदा होगा। Of course, I'm proud of you, young man. और सर, हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। मुझे तुम पर यकीन है जवार, तुमने वाकई बहुत बड़ा काम कर दिखाया। My pleasure, सर। मॉम प्लीज नहीं रोए ना, आप यकीन रखें शोभी को कुछ नहीं होगा। प्लीज हौसला रखें। कितने दिन हो गए जिसकी शक्ल देखे हो, कहां उसकी शक्ल देखे बगैर नींद नहीं आती थी मुझे। रात कहीं तक उसके इंतजार में जागती रहती थी, वो आ जाए उसे मिल लो तभी सुकून आता था। और अब कितने दिनों से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अमृत मॉम, हमने शोभी को सिक्योर करने के लिए बाहर भेजा है, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि वो सुकून में है? शुक्र है कि वो पुलिस और कोर्ट के चक्रों से बचा हुआ है। कितना समझाया अफजान ने उसे, बहुत रोका, मत रखो गलत लोगों से तालु, मत बैठो बुरी सोबत में, किसी फंस जाओगे किसी चक्कर में। मुझे तो हैरत है इस बात की कि किस चीज की कमी है उसे, उसने सब कुछ क्यों किया? एडवेंचर, शोभी को ना बचपन से ही एडवेंचर का शौक था। जिसमें काम को मैं और अफजाल मना करते थे, वो हमेशा कहता था मुझे करके देखना है, एक्सप्लोर करना है। वो करके देखे कि अगर वो कर लेगा तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। बस ऐसी ही थी उसकी नेचर बचपन में। वो अपने क्लास के बच्चों की चीजें डरा धमका के घर ले आता था, इसलिए नहीं अमृत की उसे किसी चीज की कमी थी, उसे मजा आता था। लोगों को तकलीफ देने में उसे कुछ लज्जत महसूस होती थी। मॉम उसकी नेचर ऐसी क्यों थी, वो नॉर्मल बच्चों जैसा क्यों नहीं था? पता नहीं, इस बात का जवाब तो हमें खुद नहीं मिल सका अमृत। अच्छा आप परेशान नहीं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। जिंदगी में बहुत क्राइसिस देखे अमृत, मगर ऐसी बड़ी मुसीबत पहले कभी नहीं देखी। मॉम जो ऊपर बैठा हुआ है ना, हमारा रब, वो अपने बंदों की आजमाइश के लिए उन पर मुश्किलें भेजता है, और जहां हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, वहां हमें निकाल लेता है। तुम्हारा तो बहुत गहरा ताल्लुक है ना मेरे रब से, नमाज पढ़ती हो ना? जी मॉम। तुम रित कहो अपने रब से सब ठीक कर दे, वो तुम्हारी सुन लेगा। मॉम वो मेरा ही रब नहीं, आपका भी रब है, आप उसे एक बार मांग कर तो देखें, वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्यों सुनेगा मेरी अमृत, मैंने तो कभी उसे याद नहीं किया। ऐसा मत कहे मॉम, वो सबकी सुनता है, एक बार सवाल करके तो देखे। काश वो भी ऐसा ना हो तो, कितनी मुसीबतें खड़ी कर ली उसने अपने लिए। अमृत इसे कहो यहां से चली जाए, मैं इसको देखती हूँ ना, मुझे शोभी और शिद्दत से याद आता है, इसी ने मुसीबत में डाला है उसे। मैंने? मॉम प्लीज मॉम संभालिए खुद को, इसमें इसमें माया का कोई कसूर नहीं है। अरे सारा क-
कसूर इसका है। जब से शोभी की जिंदगी में आई है, नई से नई मुसीबत खड़ी होती चली जा रही है। मॉम, प्लीज अपना बीपी हाई मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कम से कम इसके होते हुए तो कुछ सही नहीं होगा। माया, मॉम प्लीज इस तरह गुस्सा मत करें। रिलैक्स मॉम, प्लीज मॉम मत रो। आप हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? प्लीज। और मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि शादी के बाद ऐश करूंगी, शहाब से शादी हो जाएगी तो जिंदगी सवर जाएगी मेरी, लेकिन मेरी जिंदगी सवरने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर लाई हूं। और वो अमृत, सारे ख्वाब पूरे हो गए उसके तो, बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। अमृत, अमृत तुम गलत डिफेंड कर रही हो शोभी को। नहीं अबू, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। अमृत, ये अब की बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो फिर आप बता दें कि आखिर बात क्या है। क्या बताऊं, मैं बहुत पहले ही राहिला को वार्न कर चुका था कि जैसी हरकतें उसके लाडले की हैं, वो कोई ना कोई मुसीबत ला के रहेगा, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। अब वो आप और मॉम सारा वक्त एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हैं। क्या अपने बेटे की बेहतरी के लिए किसी एक पॉइंट पर आप लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते? लुक, राहिला ने हमेशा वही काम किया जिससे मैं उसे मना करता था, और अब शोभी भी मां के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। आपने अपनी बात क्यों नहीं मनवाई? मेरी तो उनके नजदीक कोई हैसियत ही नहीं। अबू प्लीज खत्म कर दे इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अबू, कब तक माजी में रहेंगे? कब तक इस तरह एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे आप लोग? तुम क्यों वकालत करने आ जाती हो माँ बेटे की? ये ना पहले मेरे बस में थे और ना अब है। शोभी, आपका इकलौता बेटा है वो। ऐसे बेटे से तो अच्छा था नहीं होता। इतना नेगेटिव क्यों हो गए हैं आप? मुझे ऐसा कर दिया गया है। पहले मैं ऐसा नहीं था अमृत, ये तो जवार की मेहरबानी कि उसने अपने दोस्त के पास भिजवा दिया शोभी को। यहां होता तो होश ठिकाने आ जाते, उसके भी और राहिला के भी। यानी आपको अपने बेटे की परवाह तो है, तो फिर आप क्यों ऊपर से इस तरह खफा रहते हैं उससे? अमृत, कोई बाप ऐसी औलाद से खुश नहीं हो सकता। अबू प्लीज। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है कि ना हम उसे अच्छा इंसान बना पाए
और मैं ही अच्छा बेटा। अब तो शादी हो गई है ना उसकी, मुझे यकीन है कि वो राह रास्त पे जरूर आ जाएगा। जैसे उसको बीवी मिली है वो मजीद बिगाड़ेगी उसे। एक न शुभ दो शुभ। नहीं अबू, माया बहुत अच्छी है। बेटा तुम्हारे नजदीक तो सारी दुनिया ही अच्छी है। हेलो हेलो मंचा, कैसी हो माया? तुम? हाँ मैं हूँ माया। तुमने नंबर चेंज कर लिया है क्या? हाँ यार। क्यों? बस यार एक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। कैसी मुसीबत? शहाब से शादी के बाद ससुराल तो आ गई हूँ, लेकिन शहाब दुबई चला गया है। दुबई क्यों? वो बिजनेस टूर पे गए। तो कब तक आएगा वापस? पता नहीं यार। तुम बहुत उदास लग रही हो माया, लगता है बहुत मिस कर रही हो शोभी को। हाँ मैं बहुत मिस करती हूँ शहाब को, क्योंकि यहाँ किसी का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। क्यों? ससुराल ससुराल होता है मंशा, मैं तो यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, यहाँ तो मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया माया? बहुत कुछ हो चुका है मंशा मेरे साथ, और तुमने मेरी खबर तक ना ली। तुम्हें इतना अपसेट पहले कभी नहीं लगा? तो पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं मेरे साथ मंशा। मम्मी और बाबा तो चले गए, अमृत अपनी लाइफ में बिजी है, मैं किससे अपना दुख शेयर करूं? मुझे बताओ माया हुआ क्या है। तुम मिलोगी तो जरूर बताऊंगी। मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मंशा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो माया, माया इतनी डिसहार्ट क्यों है? ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जवार बहुत ही जीनियस लड़का, मेरी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर निकला। अब तो मुझे भी यकीन हो गया इस बात का। देखो उसने शोभी वाले मामले को कितनी अकलमंदी से डील किया। नो डाउट, ये तो है। दुबई में भी कितनी सहूलत से रखा हुआ शोभी को। इट्स अ बिग फेवर, बड़ा एहसान किया उसने। पता नहीं अफसाल हम ये एहसान कभी उतार भी पाएंगे कि नहीं। ऊपर से उसकी बिजनेस अप्रोच भी बहुत अच्छी है। मैं सोचता हूं कि अगर जवार ना होता तो पता नहीं क्या होता। अबू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आप। नो, नहीं, मैं बिला वजह किसी की तारीफ नहीं करता अमृत। उस लड़की ने शुरू दिन से ही मुझे बहुत इंप्रेस किया। सपोर्ट तो मुझे भी जवार ने बहुत किया था। जब मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। वैसे वो हर किसी को सपोर्ट नहीं करता, अगर मेरी बेटी की तो बात ही कुछ और है। जी वैसे आपको पता है मॉम,
शुरू शुरू में ना अब्बू बहुत चिढ़ने लग गए थे जवार से कि वो बिला वजह मुझे इतनी सपोर्ट क्यों करता है, मेरी इतनी मदद क्यों करता है। इसलिए कि मैं उसकी नेचर से वाकिफ नहीं था। वैसे आपस की बात है, शुरू में मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आए थे ये लोग, मगर अब मैं सोचती हूँ कि आपका इंतखाब अच्छा है। भाई मुझे जितनी अच्छी पहचान है ना लोगों की, उतनी तुम्हें कहाँ रहिला बेगम। जी जी ये तो मैं मानती हूँ। और फिर फैमिली भी बहुत सादा है जवार की। फैमिली में है ही कौन, सिर्फ माँ। हाँ वही एक माँ। वैसे माँ मुझे आदत की थोड़ी तेज लगती है। ख्वातीन तो होती तेज हैं, क्यों अमृत बेटा। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मामा तो बिल्कुल तेज नहीं है। थैंक यू सो मच अमृत। आ रही देखी कभी, तुम्हारा तो वास्ते ही नहीं पड़ा। हेलो शहाब। हेलो माया, कैसी है? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर, बीमार पड़ी हुई हूँ मैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है? नहीं लग तो नहीं रहा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम कब आओगे वापस शहाब, मैं तो दम घुटता है तुम्हारे बिना यहाँ। तुम कहती हो तो अभी आ जाता हूँ। आंटी और अंकल का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा है, और आंटी तो हर वक्त मुझे ही ब्लेम करती रहती हैं। अच्छा अभी भी? हाँ, उन्हें तो मेरी शक्ल से ही नफरत है, और अंकल भी मुझे ही हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं। मुझे कम से कम डैड से उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगता है जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं ही जिम्मेदार हूँ सबकी। अच्छा तुम रो तो मत प्लीज। रहूं नहीं तो मैं और क्या करूं साहब। एक तो इतने दिनों बाद बात हो रही है और तुम मजीद मुझे परेशान कर रही हो। तो मैं खुद कौन सा खुशी से रह रही हूँ यहाँ, मुझे तो अपना आप जहर लगने लगा है अंकल और आंटी के बिहेवियर की वजह से। प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मैं, थोड़ा सा। और कितना बर्दाश्त करूँ मैं साहब? थोड़ा सा और। वैसे मैं मॉम से बात करूंगा। तुम क्या बात करो, पहले कौन सा तुम्हारी सुनती है। नहीं गलत फहमी है तुम्हारी, मॉम बहुत चेंज हो गई है पहले के मुकाबले। मेरे साथ तो उनका सलूक वही मुजरमों वाला है, जैसे सब कुछ मैंने किया है। अच्छा यार मैंने तो तुम्हें कुछ अच्छा टाइम गुजारने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे परेशान कर दिया। हाँ हाँ सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से ही तो है, सारे फसाद की जड़ मैं ही तो हूँ। क्या हो गया माया तुम्हें, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम खुद तो वहां बड़े मजे से बैठे हुए हो, मुझे या इस जहन्नुम में फेंक रखा है। अच्छा तो इतना बड़ा फर्निश्ड घर तुम्हारे लिए जहन्नुम हो गया, ऐसे ही घर तो चाहती थी तुम। ऐसा घर चाहती थी शहाब, लेकिन ऐसे लोग नहीं। अब लोगों का मैं क्या करूंगा। उन्हें समझाओ। समझाऊंगा पहले मेरा मसला तो हल हो जाए। माँ भाई पता नहीं तुम्हारे मसले तो कब हल होंगे, लेकिन इस बीच में मैं जरूर डिप्रेशन की मरीजा बन जाऊंगी। इस मसले में तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो माया, मैं तुम्हारी वजह से ही इस मामले में पड़ा था। हाँ हाँ तुम भी मेरी गलती निकालो, सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। यार इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम। ओवर रिएक्ट ना करूं तो क्या करूं। हाँ सोचा था कुछ देर तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूंगा, मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन तुम आया छोड़। अस्सलाम वालेकुम। दिलुमा अब तो बड़े घर में आ गई अमृत, कुछ तो एटिकेट सीख लो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी के कमरे में एंटर होने से पहले नॉक करना होता है। आया